अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी टीचर राहीका असलम। आज मैं आपको बायोलॉजी 9 क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। आपके बुक के बेसिकली 3 सेक्शन है, जिसमें से सेक्शन 1 का ये पहला यूनिट है, पहला चैप्टर है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बेटा बेसिकली ये इस चैप्टर जो है ये दो वर्ड्स को अलग-अलग डिस्क्राइब कर रहा है, यानी इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी। यानी इस चैप्टर में आपको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि बायोलॉजी की बेस है। ये पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पीछे की हिस्ट्री की तरफ लेके जाना चाह रही हूँ कि बायोलॉजी आई कहाँ से। देखिए, आपके पास सबसे पहली ब्रांच जो बनी थी वो थी साइंस। साइंस जो है वो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड साइंटिया से निकला है, और साइंटिया से मुराद होता है ऑब्जर्वेशन की बेस पर आप एक्सपेरिमेंट करते हो, और एक्सपेरिमेंट निकाल कर उसका कुछ कंक्लूजन निकालते हो, और दैट इज कॉल्ड साइंस। यानी वो चीज ऑब्जर्वेशन के नतीजे में जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक्सपेरिमेंट करके जो उसका रिजल्ट निकालते हो, वो उस रिजल्ट को आप जिस ब्रांच में रखते हो, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब साइंस जो है इल्म बढ़ता चला गया, लोगों ने मजीद इल्म हासिल करना शुरू किया, नई नई ऑब्जर्वेशंस बनाई, एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसके बिना पर नया नया इल्म निकलता गया। अब उसे एक ही ब्रांच पर रखना बहुत मुश्किल था। उन्होंने दो मजीद ब्रांचेस बनाई। पहले का नाम था बायोलॉजिकल साइंसेस और दूसरे का नाम था फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेज इट इज टोटली डील विद लिविंग थिंग, एंड फिजिकल साइंसेज जिसे मटीरियल साइंसेज भी कहा जाता है, इट डील विद नॉन लिविंग। यानी फिजिकल साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज वो ब्रांच है जो नॉन लिविंग को डील करती है, बायोलॉजिकल साइंसेज वो ब्रांच है जो लिविंग थिंग को डील करती है। अब फिजिकल साइंसेज की भी आगे से मजीद ब्रांचेस बनी, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी बहुत सारी ब्रांचेस शामिल है। जबकि बायोलॉजिकल साइंसेज जो लिविंग थिंग को स्टडी कर रही थी, उससे जो ब्रांचेस बनी, उसकी एक ब्रांच का नाम था बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो है आपके पास, ये बेसिकली दो लफ्जों का मुखफ्फफ है, दो लफ्जों को इकट्ठा करके बनाया हुआ है। पहला वर्ड है आपके पास बायो, और दूसरा लफ्ज है लॉजी। बायोलॉजी जो है आपके पास ग्रीक वर्ड से है। बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड लॉजी का मीन स्टडी, थॉट और रीजनिंग। यानी अगर हम इसे इकट्ठा करके पढ़ें तो बायोलॉजी बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में अब जोन जोन से लिविंग थिंग्स थी, आप इन सालों को रखते गए, अब इसमें एनिमल भी आ रहे थे, प्लांट्स भी आ रहे थे, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ रहे थे, इंसान भी आ रहे थे। यानी अब इसे एक ही ब्रांच में रखना मुश्किल हो गया। हमने बायोलॉजी को भी आगे तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया, तीन मेजर ब्रांचेस उस वक्त की। पहली थी माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। अब अगर आप माइक्रोबायोलॉजी को देखते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी भी दो लफ्जों से मिलकर है। एक है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और बायोलॉजी से आप वाकिफ हैं। माइक्रोबायोलॉजी से मुराद उन चीजों की स्टडी, उन लिविंग थिंग्स की स्टडी जो आप आम आंख से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। यानी अगर इसकी डेफिनेशन हम बनाएं, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आप कह लें तो ज्यादा अच्छा होगा। दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, यानी जिन्हें जो आप आम आंख से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जिस ब्रांच का स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अगली ब्रांच है आपके पास जूलॉजी।
देखिए जब भी आप जू का लफ्ज सुनते हैं ना, जू का लफ्ज सुनते ही आपके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो आता है एनिमल, और लॉजी का मतलब आपको पता है स्टडी। तो जूलॉजी से मुराद स्टडी ऑफ एनिमल है कि वो किस तरह जिंदा रह रहे हैं, उनके रहने सहने का तरीका क्या है, वो किस तरह खा पी रहे हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। फिर अगली ब्रांच है आपके पास बॉटनी। बेटा बॉटनी जो है वो सिंपली इज द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी लव जो है वो इस्तेमाल ही प्लांट्स, ट्रीज और हर्ब्स वगैरह के लिए किया जाता है। तो बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो। स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक नंबर वन। अब मैं आपको इसको छोटा सा रिव्यू देने जा रही हूँ कि आज आपने पढ़ा क्या। देखिए आपका चैप्टर नंबर वन था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसमें दो लफ्ज थे इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी, यानी इस चैप्टर में आपको बायोलॉजी की बेस बताई जा रही है, उसका इंट्रो दिया जा रहा है कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या चीज। अब इससे बायोलॉजी से पहले आपको साइंस का थोड़ा बहुत बताएंगे कि साइंस है क्या, यानी साइंस वो चीज है कि ऑब्जर्वेशन की बेस पर जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो और उसका कंक्लूजन जो निकालते हो, उस नॉलेज को आप कंपाइल करते हो सिंगल ब्रांच में, दैट इज कॉल्ड साइंस। लोग आते गए, लोगों ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए नई नई ऑब्जर्वेशन बनाए, एक्सपेरिमेंट की और कंक्लूजन निकाले, तो एक ब्रांच पे रखना उसे मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपनी आसानी के लिए आगे से मजीद डिवाइड किया दो ब्रांचेस में, बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंसेज वो साइंसेज थी जो प्रॉपरली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बनाई थी, यानी आप सिर्फ इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही स्टडी करो। और फिजिकल साइंसेज जिसे मटीरियल साइंसेज भी कहा जाता है, ये टोटली नॉन लिविंग के बारे में स्टडी करता है। अब फिजिकल साइंसेज पे आगे मजीद ब्रांच बनी के मिश्र फिजिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल साइंसेज की जो आगे ब्रांच बनी दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी, इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। बायोलॉजी है क्या जी? बायोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, बायो और लॉजी। बायो से मुराद है लाइफ एंड लॉजी से मुराद है स्टडी, थॉट और रीजनिंग। यानी अगर बायोलॉजी को इकट्ठा पढ़े तो इसका मुराद है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी आप लाइफ को पढ़ो। बायोलॉजी का इतनी पढ़ता आगे आगे मजीद ब्रांचेस में डिवाइड हुआ माइक्रो बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी। माइक्रो बायोलॉजी में आप उन तमाम चीजों के बारे में स्टडी करते हैं जिन्हें आप आम आंख से नहीं देख सकते, और जूलॉजी में आप तमाम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी आप तमाम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। होपफुली आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर आपको कोई इसमें मसला है तो आप नीचे कमेंट करके क्वेश्चन इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।